हरियाणा के नूंह जी हिस्सा वापरी से उस तो बाद की हरियाणा के हालात ने वह दस दें। सब तो पहले रूट की जानकारी जरूर दे दें क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे पंजाब ते हरियाणा दे कि चंडीगढ़ तो दिल्ली वाला जो रोड है वह साफ है ज नहीं। तो थोड़ा दस दें कि चंडीगढ़ तो दिल्ली वाला रोड बिल्कुल क्लीयर है जो तुम अंबाला के राह राही दिल्ली पहुँचते हो। सो इतने चिंता करने की कोई लड़ नहीं है। हिंसा जी दूसरे पास हुई है, गुरुग्राम वाले पास हिंसा हुई, नूंह वाले पास हिंसा हुई है, जिते हालात हाले भी आम वांग नहीं हुए। भावें सरकार दावा करती है कि हालात आम वांग ने पर लोगों के तनाव जरूर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा नू दुखदाई करार देंदिया लोगों नू शांति की अपील भी की है अते दावा किया कि साजिशकारां की पछाण करके सख्त कार्रवाई होगी। ही उन्होंने होर जिहड़ियां चार फौजी बलों दीआं कंपनियां भेजण की मांग की है। केंद्र तो मंगियां ने चार कंपनियां होर पहलां भी मंगियां गईआं सन। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की सुरक्षा साडी जिम्मेदारी है अते ये भी दावा किया कि नूह दे विच स्थिति हुण काबू हेठ है। सीएम खट्टर ने एक वड्डा बयान दिंदिया ये भी कहा कि नुकसान की भरपाई दंगा करन वालियां तों होवेगी। सीसीटीवी की मदद नाल 116 लोगों नूं गिरफ्तार किया जा चुकिया, 90 लोग हिरासत विच लै लए गए ने। हिंसा दे विच हुण तक कहिंदे 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 होमगार्ड मारे गए ने, 4 नागरिक मारे गए ने, 150 गड्डियां साड़ दित्तियां गईआं ने। पुलिस दीआं 30 ते केंद्र दीआं 20 कंपनियां तैनात ने। जिवें असीं दस्सिया कि 4 होर मंगियां ने। नूह दे विच कहिंदे 6 घंटे दंगा दोवें भाईचारियां दे वल्लों फायरिंग कीती गई। ए नूह हिंसा ते सीएम खट्टर दा वड्डा बयान आया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान जारी किया है, कहिंदे नूह दे विच कुल 50 कंपनियां मौजूद ने। 41 FIR दर्ज करके 116 लोग गिरफ्तार कर ले गए ने। मोनू मानेसर जिहड़ा सारे पुआड़े की जड़ है उसका हरियाणा के गृह मंत्री ने बचा किया। बड़ा हैरानीजनक है जदों कहिंदे ने कि मोनू मानेसर की वीडियो विच किते भी वह दंगा करन की गल नहीं कह रहा, वह तो सिर्फ यात्रा विच आउण की गल कह रहा है। तो यही तो सब तो वड्डा विवाद रहा। मुस्लिम भाईचारे के लोग नहीं चाहते सी कि मेवात दे विच जिहड़ी हिंदू परिषद वल्लों यात्रा कढ़ी जानी है उहदे विच मोनू मानेसर शामिल होवे, क्योंकि जिहड़ा एक वड्डा कतलकांड होया सी उसका मुख मुलजम मोनू मानेसर है। पुलिस उन्होंने हले फड़ नहीं सकी, फरार है, तो यात्रा के शामिल होगा। लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो उत्तों गृह मंत्री बचा कर रहे हैं। विज ने सोशल मीडिया के उत्ते अफवाह फैलाने वालों भी चेतावनी दी है कि साड़ी नज़र सब ते है, कोई भी सोशल मीडिया से जो कोई गंदा खेड खेडेगा तो असं उन्होंने छड़ांगे नहीं। तरह से नियंत्रण में है, हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं, और सारा जो नू क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक एक IPS अधिकारी लगाया गया है और हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। और लगभग 41 FIR हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नूह में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है, अलग अलग स्ट्रेटजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं, तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जाँच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है, वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे।
नूह दे विच की हालात ने एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्या कि 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम जिले विच तैनात है। एसटीएफ अते सीआईएफ वल्लों भी मामले की डूंघाई दे नाल जांच की जा रही है। इंटरनेट सेवा हाले तक इत्थे बंद है। अज हालात की समीक्षा की जाऊगी, उस तो बाद कोई फैसला लिया जाऊगा। फिलहाल विद्यक संस्थावां बंद रहणगियां। करफ्यू दे विच कल 2 अगस्त नूं 2 घंटे दे लई छोट भी दित्ती गई ते अज नवीं रूपरेखा तैयार की जाएगी। करफ्यू यानी कि हाले तक जारी है, छोट दित्ती जा रही है। दुकानदारां नूं समान स्टॉक करन दे लई भी कहा गया है अते बराबर तरीके दे नाल लोकां नूं समान वेचण दे निर्देश भी दित्ते ने। जिले दे विच कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, हैल्पलाइन नंबर है 112, एक होर नंबर है 90503-17480, एक होर है 83970-87480 ते एक चौथा नंबर है 99309-00281। जे थोड़े आस पास हरियाणा के जिहड़े लोग ने, खास करके नूह दे विच रहिंदे लोग ने, जे थोड़े आस पास तुहानू कुछ गड़बड़ दिखाई देवे तां तुसीं इन्हां नंबरां ते पुलिस नूं जरूर सूचित करो। करफ्यू दे विच ढिल जिहड़ी दित्ती जाएगी उहदे विच जरूरी समान खरीदण वास्ते ही लोग जा सकदे ने, जिवें दवाइयां, दुद्ध, राशन वगैरह। सुप्रीम कोर्ट दे विच वी इह मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणां ते नकेल कसे जाण दी सारियां सरकारां नूं सख्ती नाल हदायत दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ते बजरंग दल दे वल्लों कौमी राजधानी खेत्र विच कीतियां जाण वालियां तजवीजत रैलियां ते जे सरकारां रोक नहीं ला पा रहियां तां सूबा सरकारां नूं इन्हां रैलियां ते रोस मुजाहरियां दौरान नफरती तकरीरां ते सख्ती नाल लगाम कसनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दे नाल लगदे हरियाणा दे कुछ हिस्सों दे विच फिरकू झड़पां दे विच 6 जणां दी मौत तों बाद संवेदनशील इलाकिआं विच सुरक्षा अमले दी नफरी वधाउण दे हुकम भी जारी कीते ने। संवेदनशील थावां ते CCTV कैमरे लाउण दे भी हुकम दित्ते ने ते कहा कि असीं आस करदे हां ते सानूं यकीन है कि पुलिस अथॉरिटी सने सूबा सरकारां यकीनी बणाउणगीआं कि इन्हां रैलियां दौरान किसे भाईचारे खिलाफ कोई नफरती भाषण ना दित्ता जावे। उधर हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने कहा है कि फिरकू हिंसा के केसों की जांच लई सिट बनाई जाएगी। खास तौर पर यह जिहड़ी हिंसा हुई है इहदे विच बजरंग दल के मैंबर मोनू मानेसर की की भूमिका है उहदी जांच की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दोषियों नूं बख्शिया नहीं जाएगा। गुरुग्राम की मसीत विच मौलवी का जिहड़ा कतल किया उहदे विच 4 जने गिरफ्तार किए गए ने। नंगल पुलिस ने कल एक पुराने मामले के विच वकील ते RTI कारकुन विशाल सैनी नूं कोर्ट कंपलैक्स के बाहरों गिरफ्तार किया है। वकील विशाल सैनी पिछले लंबे समय तो सतलुज दरिया नजायज खनन खिलाफ प्रदर्शनां दे विच अहम भूमिका निभाउंदे रहे ने। नंगल पुलिस ने वकील सैनी नूं सवां नदी दे विच हो रही नजायज माइनिंग नाल संबंधित एक मामले दे विच गिरफ्तार किया है। दरअसल सवां नदी दे विच लगभग साल कु पहलां लोकां ते पुलिस विचाले झड़प हो गई सी। उस वक्त पुलिस ने कुछ अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज किया सी ते उन्हां अणपछात्यां दी पछाण होण ते हुण विशाल सैनी वकील नूं गिरफ्तार किया गया। दोष लगे ने कि इन्हां ने पुलिस ते खनन विभाग दे मुलाजमां ते हमला किया सी। अदालत विच पेश करके एडवोकेट विशाल सैनी नूं 14 दिनां दी जुडिशियल हिरासत विच भेज दिता गया। उधर विशाल सैनी दी गिरफ्तारी दे खिलाफ बार एसोसिएशन नंगल दे वल्लों कामकाज कल ठप रख्या गया अते सैनी दी गिरफ्तारी खिलाफ रोस मुजहरा किया। एसोसिएशन ने निखेधी मता भी पास किया है। फरीदकोट दे विच विजिलेंस ब्यूरो ने कल विमेन सैल फरीदकोट विच तैनात एक महिला सहायक सब इंस्पैक्टर हरजिंदर कौर नूं 75,000 रुपये रिश्वत लैण दे दोष हेठ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मनजीत कौर पिंड झखड़वाला की शिकायत के आधार पर की गई है। पंजाब पुलिस ने कुछ दिनों तक आने वाले आजादी दिहाड़े के मद्देनजर जेल विभाग के नाल मिलकर कल ऑपरेशन सतर्क तहत विशेष तलाशी मुहिम चलाई। स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ते DGP जेलां अरुणपाल सिंह की अगवाई हेठ पटियाला दी केंद्रीय जेल चो आरंभी इस मुहिम तहत इको वेले पंजाब दीआं 26 जेलां च अचनचेत चैकिंग की गई। इस दौरान सिम कार्डा समेत 21 मोबाइल फोन, चार्जर, चाकू ते 8.5 ग्राम अफीम बरामद हुई है। 2,500 तो वध पुलिस मुलाजमान ने इको वक्त कल पंजाब दीआं वख-वख जेलां दे विच कार्रवाई की। मोगा के CIA स्टाफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अर्श डाला गिरोह का पर्दाफाश करके राजस्थान के 2 नौजवानों को आधुनिक हथियारों सने गिरफ्तार किया। इन्हां कोलों 2 पिस्तौल ते 4 मैगजीन बरामद हुए ने। पुलिस ने दसा कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर वारदातों लिए हथियारों की ऑनलाइन डील करते हैं ते पुछ पड़ताल दौरान पता लाया जाऊगा कि मुलजमान नूं हथियार किसने ते किवें मुहैया करवाए। 2 साल पहला ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड दे विच पंजाबण कुड़ी दे नाल जिहड़ी सनसनी खेस घटना वापरी सी उसने पूरी दुनिया नूं हिला के रख दिता सी। भवानीगढ़ के पिंड नारायणगढ़ नाल संबंधित ऑस्ट्रेलिया के एडलेड शहर च रहिंदी नर्सिंग की विद्यार्थन जैसमीन कौर नूं ज्योंदया जमीन च दब के मार दिता गया सी ते इस दोष दे विच साउथ ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने पंजाब के ही खन्ना नेड़ले तारिक जोत सिंह धालीवाल नूं
22 साल 10 महीने कैद की सज़ा सुनाई है। एना ही नहीं, सज़ा पूरी होने तो बाद तारिक जोत नूं देश निकाला दिता जाऊगा। इस केस की सुनवाई 2 दिन पहला हुई सी, जिस मौके मृतका की माता रशपाल कौर भी अदालत विच हाजिर सी। रशपाल कौर ने अदालत इस फैसले ते तसली प्रगटाई है। दरअसल जैसमीन ने तारिक जोत नालों अपना संपर्क तोड़ लिया सी, पर तारिक जोत लगातार उसका पिछा करता रहिंदा सी। जैसमीन ने एडलेड पुलिस के कोल शिकायत भी दर्ज करवाई सी, पर इस दौरान 5 मार्च 2021 नूं काम ते गई जैसमीन नूं तारिक जोत ने अगवा कर लिया सी। उहदे हाथ पैर बन के गड्डी दे विच सुट के उन्हों शहर तो दूर 400 किलोमीटर उजाड़ वाली थां ते लै गया सी। उत्थे जैसमीन नूं उहने ज्योंदी नूं जमीन दे विच दब दित्ता सी ते तड़फ तड़फ के जैसमीन दी मौत हो गई सी। यानी कि दोषी ने कुड़ी दे नाल दरिंदगी भरिया विहार कीता सी। इस वक्त तारिक जोत दोषी दी उम्र महज 20 साल है, जिसने अपने सनकी पुणे ते अंदरली हैवानियत करके अपनी ते अपने मापिया की जिंदगी तबाह करके रख दिती है। 20 साल का हुण है जेलों बाहर आऊगा, 42 साल का होजूगा, फिर इस नूं देश निकाला दिता जाऊगा। इथे आके जिन्नियां लानतां लोक पाउणगे, इह दोषी तां भावें बेशर्म होके सही जाऊगा, पर इहदे मापिया तो सह नहीं होणियां, उन्हां तो तां हुण भी सह नहीं हुंदियां होणियां। सो बच्चियां नूं सही परवरिश दे के उन्हां दा दिमाग ठिकाने ते रहना बड़ा जरूरी हुंदा है। ते जिंदगी जीउण दा विहार, जिसनूं अंग्रेजी दे विच एथिक्स आपां कहने आ, अंदर दी इंसानियत अते दया भावना, इह सारे मनुखी गुण हर एक इंसान नूं उदों मिलदे ने जदों उह धर्म दे नाल जुड़दा है, जदों अकाल पुरख दी होंद नूं समझदा है, उह सच्चे रब तों डर के रहिंदा है। फगवाड़ा तों खबर है, जिथे पिंड संगतपुर दे इक एजेंट दे परिवार ने लोकां दे पैसिआं दे लैण देण तों परेशान हो के लंघी रात जहरीली दवाई निगल लई। एजेंट दी तां इलाज दौरान मौत हो गई, जदकि परिवार दे बाकी 4 जी हाले वी जेरे इलाज ने। हरदीप सिंह पटाला दे विच इक एजेंट दे नाल रल के काम करदा सी ते उहनां वल कुछ लोकां दे पैसे खड़े सी। पैसे मंगण वालिआं करके उह ते उसदा परिवार पिछले काफी समें तों परेशान चल रिहा सी। इसे परेशानी दे चलदिआं हरदीप सिंह ने आप वी जहर पी लिया। अपनी पत्नी रुचि, माता कुल दीप कौर, धी ते पुत्तर सब नूं जहर दे दित्ता। रात भर उल्टियां करदे रहे, तड़के जदों लोकां नूं पता लग्गिया इन्हां नूं हस्पताल लिजाया गया। हरदीप ने तां दम तोड़ दित्ता, बाकियां दा इलाज चल रहा है। पता लग्गिया कि हरदीप दे सिर 40 तों 50 लाख रुपये दा कर्जा चढ़िया होया सी। बरनाला दे विच लुटेरियां ने सेखा रोड दी गली नंबर 3 दे विच रहिंदी इक औरत दा कतल कर दित्ता। लुटेरे जदों घरे वड़े तां कल्ली औरत ही घरे मौजूद सी, मंजू सिंगला 45 साल दी उम्र सी। दुपहरे लगभग 1 बजे दो नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिल ते घर च आए, घर च दाखिल हो गए ते 20 मिनट बाद बाहर भी आ गए। सीसीटीवी कैमरिया दे विच सारी रिकॉर्डिंग है जिहड़ी ओह दर्ज हो चुकी है। फिर जदों मंजू सिंगला दी धी कॉलेज तों वापस आई तां उसने घर दे गेट कोल बेहोश पई मां नूं वेख्या, रौला पाया, तुरंत हस्पताल लै के गए। डॉक्टरां ने मृतक ऐलान दिता। श्री मुक्तसर साहिब दे पिंड वड़िंग दे नेड़े पिंड खोखर दे विच इक बजुर्ग दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। पछाण सरवदमन सिंह 60 साल वजों होई है। मुढली जांच मुताबिक पुलिस नूं जापदा है कि सरवदमन सिंह दा अपने भरावां नाल जायदाद दा रौला चलदा सी ते कतल रंजिश कारण होया जापदा है। फाजिलका दे पिंड आवा दे रहण वाले 26 साल दे दिलप्रीत सिंह दी कैनेडा दे सरी विच सड़क हादसे विच मौत हो गई है। परिवारक मैंबरां ने भारत ते कनेडा दीआं सरकारां तों अपने पुत दी लाश भारत लिआउण दी मंग कीती है। अदालत ने सरबत खालसा दे जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं मोहाली अदालत विच निजी तौर ते पेश होण दे निर्देश दित्ते ने। SSP मोहाली नूं सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम करन लई भी अदालत ने कहा है। 10 अगस्त नूं अगली पेशी होवेगी। जगतार सिंह हवारा इस वक्त दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच बंद ने। हालांकि इस तों पहलां भी कई वारी अदालत जगतार सिंह हवारा नूं निजी तौर ते पेश करन दे हुक्म दे चुकी है, पर अज तक हवारा नूं पंजाब नहीं लिआंदा गया। हवारा जथेबंदी दे वल्लों भी अदालत दे विच पटीशन पा के इसकी मंग की जा चुकी है कि जगतार सिंह हवारा दे, क्योंकि पंजाब तो बाहरले सारे केस खत्म हो चुके ने, इस करके पंजाब दी जेल दे विच शिफ्ट किया जाए, पर इस ते हाल तक कदे भी गौर नहीं किया गया। मोहाली कोर्ट ने इस मामले दे विच तिहाड़ जेल दे सुपरडेंट नूं हुण चिट्ठी जारी करके जगतार सिंह हवारा नूं मोहाली कोर्ट विच पेश होण दे निर्देश दित्ते ने। सोहाणा थाने दे विच जगतार सिंह हवारा दे खिलाफ इक केस दर्ज है। पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगतार सिंह हवारा की पेशी हो रही थी, पर हुण निजी तौर पर पेश होने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर मोहाली दे विच कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिंह की रिहाई की मांग नूं लैके भी लगातार चल रहा है। जिहे विच मोहाली विच जगतार सिंह हवारा की पेशी पुलिस के लिए वड्डी चुनौती साबित हो सकती है। पुलिस नूं डर है कि जे हवारा की पेशी होंदी है तां कौमी इंसाफ मोर्चे के लीडर उत्थे पहुंच सकते हैं। इस तों पहलां भी चंडीगढ़ पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला दिंदे हुए हवारा नूं इत्थे पेश करन तों मना कर चुकी है। हो सकता है कि ऐतकी भी मना कर दिता जाए। 1984 सिख कतलेआम दे इक केस दे विच कल अदालत दे विच सुनवाई हुई।
सुनवाई दौरान पुलबंगश इलाके विच तीन सिखां दे कतल मामले विच मुख मुलजम कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर दी अगाऊं जमानत अर्जी ते अदालत ने फैसला राखवां रख लिया। हुण कल नूं 4 अगस्त नूं मुड़ तों सुनवाई होवेगी ते टाइटलर दी जमानत ते फैसला होवेगा। इस दरमियान सिख लीडर अते पीड़ित लोग ने जिहड़े ओह लगातार मंग कर रहे ने कि जगदीश टाइटलर दे खिलाफ जिहड़े दोष लगे ने उन्हां दोषां दे तहत उसनूं सलाखां दे पिछे भेजा जावे ना कि उसनूं जमानत दित्ती जावे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पर्ल्स ग्रुप दीयां जायदादां नाल जुड़े मामलों में हथ रंगण वाले हुण सूबे दे सियासतदानां ते पुलिस अफसरां दी भूमिका दी जांच भी विढ दित्ती है। ब्यूरो दे सीनियर अधिकारियों ने दस्सिया कि पर्ल्स घोटाले की मुढ़ली तफतीश दौरान कांग्रेस नाल संबंधित 4 लीडर जिन्हां दे विचों एक साबका मंत्री भी है ते पंजाब पुलिस दे एक सीनियर IPS अधिकारी एक सेवा मुक्त IPS DSP अते इंस्पैक्टर पद्धर दे 4 अफसरां दी शक्की भूमिका सामने आ रही है। सूत्र दसदे ने कि पुलिस अधिकारियों के वलों अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक होटल दे विच पूंजी निवेश की पड़ताल भी की जा रही है। यानी कि विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले विच वड्डी मच्छी दे वलों जमीन हासिल करने के सबूत मिले ने ते इस सियासतदान के खिलाफ आउंदे दिनां दौरान कार्रवाई अमल दे विच लियांदी जा रही है। इस मामले दे विच करोड़ां रुपईआं दा लैण देण होण दी खबर मिली है ते ए भी जांच की जा रही है कि पर्ल्स घोटाले संबंधी FIR विशेष तौर पर फिरोजपुर जिले के जीरा थाने दे विच ही क्यों दर्ज की गई। एक केस कांग्रेस की सरकार वेले 2020 दे विच दर्ज किया गया सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों हरी झंडी देने तों बाद विजिलेंस ने 19 मई तो इस मामले की जांच शुरू की है। सो पर्ल्स घोटाले दे विच 4 सियासतदाना ते अद्धी दर्जन पुलिस अधिकारियों के वलों हथ रंगण के विजिलेंस नूं तथ मिल चुके ने ते हुण इहदी जांच होवेगी। विजिलेंस अधिकारियों मुताबिक यह मामला बेहद पेचीदा है। तफतीश नूं पुख्ता बनाउण दे लई 1998 तों लैके हुण तक पर्ल्स ग्रुप दे वल्लों जमीना की खरीद वेच ते होर दस्तावेज तक इकट्ठे कर ले गए ने। जायदादां दी निशानदेही की जा रही है ते घोटाला तकरीबन 60,000 करोड़ रुपये का है जिदे विच आम लोग ठगे गए सन ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा किया उन्हां लोगों दे नाल कि पर्ल्स ग्रुप दीयां सारियां जायदादां जब्त करके लोगों दे ठगे हुए पैसे उन्हां नूं पूरे देण दी कोशिश की जाएगी अते दोषियों नूं सलाखां पिछे भेजा जाएगा।